आदि सभी को, मैं एस्ट्रोलॉजर मनोज कपिल शास्त्री आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा विषय है नागपंचमी। वो क्या करें, कैसे नागपंचमी मनाएं, कौन कौन से लोग कौन कौन से इसमें उपाय करें, और कैसे आप जो है इसमें पूजा करने से जो है आप करोड़पति बनोगे, धनवान बनोगे। तो आज का मेरा विषय है नागपंचमी। तो वीडियो में बने रहिए आप, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो नागपंचमी का दिन जो है नागों के लिए समर्पित है, जो कि इसी महीने की श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है मनाया जाता है। यह दिन जो है नागों की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन जो है जन्मेजय से जो है नागों की रक्षा हुई थी और उनको जलने से जो है बचाया गया था। तो यही इसकी पुरानी कथा है। और आज मैं आपको बताता हूं कि नाग पंचमी वाले दिन कैसे जो है नागों की पूजा करनी चाहिए। तो नागों को जो है इस दिन जो है कई स्थानों पर जो है दूध पिलाया जाता है। जो बर्मी होती है मिट्टी की, उसके ऊपर जो है लोग दूध डालते हैं और बर्मी की भी पूजा करते हैं। साथ में जो है शिवलिंग के ऊपर जो नाग रखे होते हैं उनका भी स्नान करवाया जाता है। और जिन लोगों की कुंडली में जो है काल सर्प दोष है, वो जो है चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जो है दूध दही शहद घी शक्कर आदि से स्नान कराकर शिव का अभिषेक करवा कर जो है चढ़ाए, तो उनका जो है काल सर्प दोष से जो है उनको मुक्ति मिलती है और काफी जो है शांति उनको प्रदान होती है। जो भी हमारे जीवन में जो है काल सर्प दोष की वजह से जो है विघ्न बाधाएं होती हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। और इस दिन जो है धान के पावा आदि से जो है दूध से आदि से जो है नागों की पूजा की जाती है। और इस दिन जो है एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि इस दिन जो है भूमि को खोदना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है इस दिन जो है नाग देवता जो है धरती में वास करते हैं। इसलिए जो है इस दिन भूमि को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि भूमि के देवता जो है नाग देवता है। और किसान लोग भी जो है नागों की पूजा करते हैं, क्योंकि जो है नाग जो है खेतों में जो है चूहों आदि से जो है खेतों फसलों की रक्षा करते हैं। और जिनकी कुंडली में जो है नाग दोष हो, पितृ दोष हो, या और कोई सर्प दोष हो, जिनको सपने में सांप दिखते हो, वो भी जो है इस दिन जो है नागों की पूजा जो है कर सकते हैं। दूध दही शहद की शक्कर आदि से स्नान कराकर या नागों को दूध पिला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अपनी घर की रक्षा के लिए जो है घर के मुख्य द्वार पर जो है दोनों साइड में जो है नागों के जो है चित्र बनाकर उनकी जो है पूजा करने का जो है इस दिन विशेष महत्व है। तो इस दिन जो है और इस दिन जो है जो लोग जो है भगवान शिव का अभिषेक करवाते हैं नागों सहित, उनको जो है धन की कमी नहीं होती है। और नाग ये विशेष महत्व वाला दिन होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो है होता है। इसलिए जो है नागों की पूजा का जो है विशेष महत्व जो है 25 जुलाई 2020 को जो है दिन शनिवार को नाग पंचमी वाला दिन है। तो किसी ने जो है पूछना हो कुंडली के बारे में, संपूर्ण विश्लेषण कराना हो, या नाग पंचमी के बारे में और जानकारी लेनी हो, तो जो है ले सकते हैं। जय।